आर्मी जनरल के घर पैदा हुई किन्नर ने 17 साल बाद बताई अपनी आपबीती। दश पापा आज बात भी नहीं करते, किसी इंसान के साथ किस्मत कब क्या खेल खेलती है कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे किस्मत ही नहीं तो और क्या कहेंगे कि भारत के आर्मी जनरल जैसे बड़े घर में एक किन्नर पैदा हुई और उसे जिल्द की जिंदगी जीने के लिए हमारे समाज ने मजबूर कर दिया। हमारा समाज उन्हें सारी खूबियों और हर कार्य योग्य होते हुए भी कोई तवज्जो नहीं देता है, जिसके चलते वे ऐसे कार्यों को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो एक सभ्य और आधुनिक समाज में कतई स्वीकार्य नहीं है। ये कहानी ऐसे ही एक किन्नर सुधा की है, जिसका जन्म सीवान बिहार में आर्मी जनरल के घर में हुआ था। अपने 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर सुधा ने जब अपनी आपबीती सुनाई तो कलेजा पसीज गया। सुधा कहती है कि जब मैं 6ठी क्लास में थी तभी पता चलने लगा गया था मैं दूसरे से अलग हूँ। जब ये बात फैली तो लोग मुझे और मेरे परिवार वालों को ताने मरने लगे, जिससे आए दिन मेरे कारण परिवार वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। आखिर में जब हद हो गई तो मैंने घर छोड़ने का फैसला किया और 14 साल की उम्र में 1999 में भागकर लखनऊ आ गई। हालांकि इस दौरान मेरे पापा और भाइयों का मुझे पूरा सपोर्ट था। सुधा आगे कहती है कि लखनऊ में मेरी मुलाकात किन्नर समाज के गुरुवार संध्या से हुई, जिन्होंने मुझे अपने साथ रखा और पिछले 17 सालों से मैं उनके साथ हूं और आगे भी रहना चाहती हूं। आपको बता दें कि सुधा रेलवे में नौकरी करना चाहती है ताकि वो भी एक आम जिंदगी जी सके, जिसके लिए वे इग्नू के BPP प्रोग्राम में एडमिशन भी ली है, जो 6 महीने का कोर्स है और उसके बाद PG करेगी। इग्नू लखनऊ के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह के मुताबिक सुधा लगातार कड़ी मेहनत कर रही है और वे पढ़ाई में मन लगा रही है। सुधा ने बताया कि उनकी परिवार वालों और भाई बहन से लगातार फोन पर बात होती रहती है, लेकिन पापा से बात नहीं हो पाती है क्योंकि वे सुधा के घर से भागने वाली बात को लेकर अब तक नाराज है। वे चाहते थे कि सुधा घर पर ही रहे।